आज हम बनाने वाले हैं एकदम लच्छेदार और टेस्टी मिठाई लौकी की बर्फी। लौकी को हम दूधी भी बोलते हैं और इसको घिया भी बोला जाता है। लौकी की बर्फी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है। और नवरात्रों की व्रत चल रहे हैं तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। लौकी की बर्फी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो लौकी ली है और यह कच्चे वाली होनी चाहिए। अब हम इसे छील लेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से छील लिया है और धो लिया है इसको। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसमें जितनी अच्छी लौकी होगी उतना ही अच्छी हमारी बर्फी बनेगी। इसमें हमें कच्चे वाली लौकी ही लेनी है और बीज वाला जो बीज है इसमें हल्के फुलके, तो वो पार्ट हम निकाल देंगे। बीच में से ऐसे चाकू से कट करेंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से ये बीज वाला पार्ट निकाल लिया है और इसको अच्छे से साफ कर लिया है। बिल्कुल ऐसे आप निकाल लेना। अगर कम बीज है तो आप कम हिस्सा निकाल लेना। तो इसे आप कद्दूकस करेंगे और जो छोटे वाले जिस साइड से छोटा इसका है हिस्सा, उस साइड से हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे बड़े वाले हिस्से की तरफ से अगर हम ग्रेट करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी बनेंगी और अच्छे से हमारी मिठाई नहीं बनेगी। अब हम एक छल्ली लेंगे और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है, कद्दूकस करने से इसमें पानी हो जाता है, तो वो हम निकाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर हम इसका पानी अलग कर लेंगे। देखिए, मैंने इसका पानी अलग कर लिया है। बिल्कुल ये अच्छे से साफ हो गई है। अब हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिए हैं। घी के पिघलने के बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे और 3 से 4 मिनट इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए भूनना है। घी में भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसको हम ढक कर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट और अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे। तो चलिए ढक कर पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए, हमारी लौकी पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इसको बीच बीच में चलाते रहना। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और साथ ही साथ मैंने मलाई भी ली है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, नहीं तो दूध को गाढ़ा करके भी आप डाल सकते हैं। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। लौकी को जब हम दूध में पकाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। दूध में अपना ही एक स्वाद होता है। और साथ ही साथ हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको जैसा मीठा पसंद है आप उसी के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1/2 कप चीनी डाली है और इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट होगी और हमारी लौकी उसमें अच्छे से पक जाएगी। और बीच में चलाते रहना। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए, अच्छे से दूध और चीनी इसमें मिक्स हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। अब मैंने यहाँ 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। जितनी हमने चीनी ली है सेम उसी क्वांटिटी का मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर से इसमें बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मावा है तो आप 50 ग्राम इसमें मावा डाल सकते हैं, लेकिन मावा निकालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मिल्क पाउडर डाल दिया है मैंने। और मिल्क पाउडर से भी बिल्कुल मावे जैसा ही इसमें टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और बहुत ही अच्छे से मिल्क पाउडर इसमें मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच काजू और बादाम का पाउडर लिया है। अगर आपके पास काजू बादाम का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं,
आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, और या फिर काजू और बादाम को आप बारीक कट कर कर भी इसमें डाल सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने यहाँ 1 से 2 चुटकी फूड कलर लिया है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी बना पाएंगे। इससे जैसे हलवाई की शॉप पे हमें मिलते हैं बिल्कुल ऐसे बनेगी, इसलिए मैंने इसमें कलर ऐड किया और देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगी। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो फूड कलर को आप अवॉइड कीजिए, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। ये इकट्ठा होने लगा है, अच्छे से पक गया तो निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने थाली ली है, आप कोई भी जिसके किनारे उठे हुए हों वो प्लेट या टीन आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ थाली का यूज़ किया है, ये सभी के घर में मिल जाती है। तो इस पे हम अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे इसको, और जो हमारा लौकी का मिक्सचर है वो इसमें डालकर अच्छे से फैलाते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है, अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए, या आप बाहर भी रख सकते हैं। देखिए ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, और इस पर मैंने चांदी का वर्क लगाया है। अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिए, नहीं तो आप इसके बगैर भी मिठाई बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बर्फ़ी कट कर ली है, और बिल्कुल पास से मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी सुंदर लग रही है, और खाने तो में तो एकदम लाजवाब है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आप भी ये बर्फ़ी बना सकते हैं, इस नवरात्रों में आप ये बर्फ़ी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए और ढेर सारे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।